अच्छा दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। मेरे पास अभी एक फ़ोन है और वो है जियो का F320B। और इस फ़ोन के अंदर जो है ज़्यादातर ही ये प्रॉब्लम आता है कि जब हम चार्जिंग पिन चेंज करते हैं, और चार्जिंग पिन चेंज करने के बाद जो है क्या होता है, ये फ़ोन मेरा लोगो पे आ जाता है, या तो बहुत बार ये होता है कि फ़ोन जो है मेरा माइक काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम कम्प्लीट आखिर जानेंगे प्रॉब्लम ये जो है कहाँ से होता है। इससे पहले जो है मेरे यहाँ ही इस फ़ोन का जैक चेंज हुआ है। जैक चेंज होने के बाद जो है ये फ़ोन लोगो पे आ गया था, और लोगो पे आने के बाद जो है इस फ़ोन को हम फ्लैशिंग कर दिए। फ्लैशिंग करने के बाद फ़ोन तो मेरा ऑन हो गया, बट इसका माइक काम करना बंद कर दिया है। ये हो सकता है फिर कुछ देर के बाद जो है ऑन तो हो जाता है, लेकिन ऐसा भी होगा कि फिर लोगो पे आके रुक जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आखिर हम जानते हैं आखिर इसका माइक जो है क्यों नहीं काम कर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे पहले तो एक बात बता दूँ कि हीटिंग, देखिए जैक जब भी लगाता है कोई ना कोई, तो एक्स्ट्रा हीटिंग के बाद ही इस तरह का प्रॉब्लम आता है। और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं चेक करवाता हूँ और बताता हूँ आखिर प्रॉब्लम हुआ है क्या। तो यहाँ पर चलिए हम इसका सप्लाई चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका सप्लाई जो हमें मिलना चाहिए वो यहाँ पे तो ग्राउंड मिलना चाहिए, ग्राउंड मिल रहा है। यहाँ पे भी ग्राउंड मिलना चाहिए, ग्राउंड मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें रीडिंग मिलना चाहिए कुछ वैल्यू 438 के समथिंग, जो कि मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी हमें क्या मिलना चाहिए, जो वैल्यू मिलना चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो ये वाला पॉइंट है इस पर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, कोई सा भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो सप्लाई जा रहा है दोस्तों, ये ऊपर इस वाले कैपेसिटर पर, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी सही है, बट यहाँ पे जो है कोई सप्लाई हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, और इसी का सप्लाई जो है दोस्तों यहाँ पे आगे इधर जा रहा है, यहाँ से भी डायोड, लेकिन चलिए कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें करना क्या होगा ये समझ लीजिए, आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कैसे। तो आपको करना है यहाँ पे ये कि इसका जो सप्लाई जा रहा है डायरेक्ट पावर आईसी के एक बगल में कैपेसिटर पर हमें मिल रहा है, देखिए दोस्तों इसका जो सप्लाई है आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा इस कैपेसिटर के बाद वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हम क्या किए हैं, फिलहाल इस कैपेसिटर से उठा लिए हैं, देख सकते हैं जो भी हो सही से दिख भी नहीं रहा, रजिस्टर है बच सकता है। तो यहाँ से हम एक जम्पर लिए हैं, देख लीजिए एक बार आप भी, और इसको जो है हम अभी करेंगे क्या, यहाँ पे देख लीजिए ये पावर आईसी रहा कुछ, इसके ऊपर दो कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पर है, तो इससे हम लिए हैं, एक बार आप लोग सही से देख लीजिए। और अभी हम करेंगे क्या, इसको जो है डायरेक्टली नीचे हम लाएँगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अभी करेंगे क्या, एक जम्पर है जो कि कंप्लीट कर देंगे। तो करना क्या है दोस्तों, हमें कहाँ पे जम्पर, इससे पहले जैसा कि हम बताए थे इस पे नहीं मिल रहा था, और इसका जो है सप्लाई हमें इस कैपेसिटर पे मिल रहा है, तो यहाँ पे हम अभी जम्पर कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है फाइनली क्या हुआ है, जो मेरा सप्लाई है वो मिल चुका है। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये समझना है आपको। देखिए दोस्तों, कोई भी एक पॉइंट को अगर आप मिस कर देंगे तो वहाँ पे आप परेशान हो सकते हैं। बहुत सारा काम कर दिया और एक पॉइंट मिसिंग कर दिए तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। अब जैसे कि कैपेसिटर पे जम्पर नहीं हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे सप्लाई कटा हुआ वहीं पर हम जम्पर कर लिए हैं, और फिलहाल जो है हम इसको SMD के माध्यम से नहीं बैठाए हैं, ओनली फुट जम्पर के माध्यम से ही बैठा रहे हैं। रीज़न ये है कि परेशानी होता है थोड़ा सा, इसमें जो है वाटर डैमेज है, और बगल का एक आध पॉइंट जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही शॉर्टिंग नज़र आ रहा था, जिसके कारण जो हम अभी करके आ रहे हैं जम्पर के माध्यम से ही बैठा रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर जो है वहाँ जम्पर नहीं हो रहा था, तो नीचे पॉइंट पर ही हम जम्पर डाले हैं जो ऊपर से ले करके आए थे, जैसा कि हम आपको दिखाए थे इससे पहले। और फिलहाल हम जम्पर कर दिए हैं, और माइक जो है वो लग गया है, नहीं लगा है, एक आध पॉइंट अभी मिसिंग है वो भी लगा है,
और वो जो है लग जाने के बाद जो है क्या होगा उसको हम चेक कर लेंगे फाइनली क्या हुआ है, मेरा फोन बन पाया है या नहीं बन पाया। दोस्तों एक तो नहीं, कम से कम हम 50 इस तरह का फ़ोन देखे हैं जिसमें चार्जिंग पिन लगाया, फ़ोन लोगों पे आके रुक गया, फ्लैशिंग किए फ़ोन ऑन हो गया, फिर से 2 दिन बाद लोगों पे रुक गया, माइक काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों कभी भी आप लोग चार्जिंग पिन लगाते हैं ना, तो इस बात पे ज़रूर एक बार गौर कीजिए कि हम चार्जिंग पिन तो लगाए हैं लेकिन यहाँ पे हम गलती भी कुछ किए हैं, और इस तरह का गलती आप लोग भी कभी भी ना करें। बाकी यहाँ पे फ़ोन मेरा क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, जैसे हीटिंग एक्स्ट्रा कर देते हैं तब जाके ये प्रॉब्लम आता है, तो फ़ोन मेरा ऑन हो रहा है। अभी इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है, फ़ोन मेरा कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। वैसे तो सप्लाई रीडिंग जो होता होना चाहिए वो सब पे मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है, बाकी एक मिसिंग था, वो मिसिंग के कारण जो है प्रॉब्लम दे रहा था, कभी लोगों तो माइक नहीं काम करना। फिलहाल हम यहाँ पे क्या किए हैं, कॉलिंग कर लिए हैं, और कॉलिंग के बाद जो है दोस्तों अभी हम चेक करेंगे फाइनली क्या होता है। फिलहाल में तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों चेक कर लिए हैं। हेलो 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 हेलो।